क्या होती है फ्रीडम? हाथ उठाएं, बताओ फ्रीडम क्या होती है? फ्री विल टू स्पीच, फ्री विल टू डू एनीथिंग। अच्छा, फ्रीडम है कि फ्री विल है? और कोई ऐड करना चाहे? फ्रीडम क्या होती है? आजादी होती है। कुछ और ऐड करना चाहे? हाँ, रोल नंबर 10 किसका है? चलो आओ जी, आप बताओ। द लक इज देयर। क्या होती है फ्रीडम? मैं वो तो अभी पूछा ही नहीं। तो फ्रीडम फाइटर क्या होता है? जो अपनी हद तक होता है वो अपने घर में फ्रीडम लेना चाहता है, आजादी चाहता है। अच्छा, तो फ्रीडम ये होगी। 20 रोल नंबर कौन है? 30 40 30 आ जा फिर, तो देखना किस्मत कितनी चलाक है। ऐसे ही है, और ये अभी सोच रहे हैं हमारा 10 में आएगा कि नहीं। क्या होती है फ्रीडम? फ्रीडम आजादी है बेसिकली। फ्रीडम एक आजादी है। क्या है वो भी आजादी कह रहे हैं, वो भी इसको डिफाइन करें कि आजादी क्या होती है। आजादी ये है कि मैं लेक्चर में आऊं और मुझे अपने टॉपिक का ना पता हो, ये आजादी है। एक एक करके बोलेंगे। कट्ठे बोलते हैं कव्वे और भेड़ और बकरियां। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कव्वे या भेड़ बकरी हैं या क्या है हम? इंसान, अल्लाह करे हम हो। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे आजादी है, ये भी आजादी कह रहा है, ये भी आजादी। इसको कोई बेहतर तरीके से डिफाइन करेगा कि आजादी क्या है? ये इन्हें बताएं कि आजादी क्या है, फ्रीडम क्या है। आजादी तो अभी पता नहीं क्या है। फ्रीडम ये है कि हम लेक्चर में आए और हमें ये पता ना हो कि रेटिनोब्लास्टोमा का लेक्चर आया, ये फ्रीडम है? बताएं तो ये क्या है? ये भी तो फ्रीडम है ना, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कर रही हूं, फ्रीडम नहीं है? ये आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है? आप कि लेक्चर का पता ना होना फ्रीडम है? अभी सब ने कहा यही आजादी है, जो दिल में आए वो करो, यही कहा ना तुमने? नहीं कहा ये? क्या कहा है तुमने? है उसे केयरलेसनेस। तो फ्रीडम क्या कहा फिर तुम लोगों ने? फ्रीडम क्या थी? इस उम्र में तो नहीं है फ्रीडम। तो फ्रीडम का क्या मतलब हुआ? अपनी मर्जी बता, तो इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन उसके रूल्स होने चाहिए ना, मतलब फ्रीडम के भी रूल होने चाहिए, फ्रीडम के रूल होने चाहिए। जी बताए, लेक्चर का पता ना होना फ्रीडम है, रूल्स क्या होंगे इसके? फ्रीडम है ना, आपने कहा, ये भी कुछ इसी तरह कह रहे, रूल्स क्या होंगे इसके? कि अगर लेक्चर का इसे पता नहीं है, फ्रीडम तो है लेकिन इसे फिर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है? तो फिर फ्रीडम किस चीज की रही? ये तुम अगर ऐसे पहनोगे ना, हैं, तो मुझे पता चलेगा कि ये एक अच्छा डॉक्टर बनने वाला है कि नहीं? अब कैसे लग रहे हो तुम? अब देखो अमाज खान प्यारा लग रहा है कि नहीं है? और अमाज खान ऐसे कैसा लगता है? वैसे मैं कह रहा हूं, ये तुम्हारी फ्रीडम है, तुम उसे खुला रखो चाहे बंद रखो, तुम उसके नीचे कुछ पहनो चाहे ना पहनो, फ्रीडम हमने यही कहा ना, अपनी मर्जी करनी, यही कहा ना। तो फ्रीडम का होना कितना जरूरी है मुआशरे में? तो अगर फ्रीडम में रूल्स ही नहीं होंगे, उसने कहा कुछ रूल्स होने चाहिए, तो फिर किस तरह कंट्रोल करेंगे? फिर किस तरह कंट्रोल करेंगे मुआशरे को? फ्रीडम यही है ना, जंगल में फ्रीडम है, शेर जिसको मर्जी खा जाए, लोमड़ी जिसको मर्जी धोखा दे दे, चीता जिसको मर्जी खा जाए, यही फ्रीडम है ना? ये फ्रीडम है ना कि जो जिसके साथ जो मर्जी करता रहे, कोई रूल्स नहीं है? ऐसे ही है ऐसा कि नहीं? ऐसे तो फिर फ्रीडम हमारे मुआशरे में, इंसान के मुआशरे में फ्रीडम क्या होती है? उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। क्या रूल्स होने चाहिए कि एक बच्चे को फ्रीडम दी गई कि तुमने टॉपिक अपना याद करके आना है, कौन सा टॉपिक है लेक्चर का? तो वो लिखा हुआ था दीवार पे रेटिनोब्लास्टोमा और उसे नहीं पता था, तो इस फ्रीडम को उसने क्या किया? ब्रीच किया। तो क्या सजा होनी चाहिए, जजा होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए? चलो एक एक करके रूल्स, क्या रूल्स होने चाहिए फ्रीडम के लिए? कि कोई रूल्स नहीं, नो रूल्स नहीं। हाँ जी, पहला रूल फ्रीडम के लिए है, किस चीज? जिंदगी गुजारने के लिए। तुम डॉक्टर बन रहे हो, तुम्हें फ्रीडम दी गई है, तुम पहला रूल क्या अपनाओगे कि मैं जिस मरीज को जाऊं पहले से थप्पड़ मारूं और फिर इलाज करूं? ये भी तो आजादी है ना, मेरी मर्जी, जो मर्जी मैं करूं।
फ्रीडम आपने कहा ना कोई कानून है तो कोई कानून तो बनाओगे ना, एज ए डॉक्टर तुम्हें फ्रीडम दी गई है, बताओ कोई एक रूल। सर रूल ये है कि किसी को भी आपको फ्रीडम मिली है ना तो आपने किसी को फिजिकली इमोशनली और सोशली जो है ना आपने उसको बीच नहीं देना। वेरी गुड, शाबाश, एक कानून। आपकी आजादी आपकी जात तक है, आपकी आजादी दूसरों की आजादी को सल्ब करने के लिए नहीं है। और दूसरा रूल, ऑब्वियसली दूसरे के सर्कल में नहीं जाके अपनी आजादी करनी, पू करना है 14 अगस्त पे तो अपने घर में कमरा बंद करके करो, हम साहयों के घर के दरवाजे के आगे वाह 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 करने से क्या ये आजादी है? ये फ्रीडम थी कल, हाँ ये फ्रीडम थी ना। तो उसने कहा कोई रूल्स नहीं चाहिए, तो रूल्स चाहिए, ये फ्रीडम तुम्हारी है ना, कि तुम 10 बजे सो चाहे 3 बजे सो चाहे पू सारा दिन कान में रख के बजाओ, लेकिन ये आजादी तो नहीं कि मेरे घर के ये इसके घर के सामने से भू भू करते आजादी मनाओ, नहीं है ना। और क्या रूल्स हो सकते हैं? अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए आजादी में, जैसे कि तुमने नहीं किए, तो फिर क्या किया जाएगा? जो रियासत नहीं आएगी तो फिर आजादी में पनिशमेंट दें, तो फिर फ्रीडम किस चीज की हुई? ऐसे ही है, सही। तो फिर क्या सजा दी जाए फ्रीडम में ब्रीच करने की? लॉज होने चाहिए। क्या हमारे पास टाइम थोड़ा, क्या लॉ होने चाहिए? लॉ नंबर वन, नहीं बस ब्रीच को हम ये ले के फ्रीडम, इसने जो कुछ करना है अपनी जात से करना है, अगर अपनी जात से बाहर जाता है, मिसाल के तौर पे आपकी अपनी सीट है, इसकी फ्रीडम ये है कि खाली सीट पे बैठे ना, या आपकी सीट पे आके बैठ जाता है, मेरी फ्रीडम है, तो ये फ्रीडम है, तो इसकी क्या पनिशमेंट देंगी इसे फिर आप? इसके सर पे पानी गिरा देंगी, या 3 लड़की इकट्ठी होके आ जाएंगी, तुम लड़के समझते क्या हो? वेयर आर द फीमेल राइट्स, वेयर इज द वीमेन एम्पावरमेंट, ये बोलोगी आप? बोल सकती हो ना, कि नहीं? सजा देने वाला कौन होना चाहिए? वो ऊपर से उतरेगा, हाँ हर कोई देने, कौन किसको स्पेसिफाई करे? इस पूरे लेक्चर हॉल में तुम्हें लेक्चर का नाम नहीं पता था, सजा देने वाला ढूंढो। सीआर किधर है आज? माशाल्लाह, तो देखो जिस मुल्क की ट्रेन का इंजन का इंजन ही नहीं है, ट्रेन ने किधर जाना है? साहिवाल के मुल्तान, पता नहीं। एनी हो, इंडिपेंडेंस क्या होती है? तुम लोग बैठ जाओ, थक तो नहीं गए? चल फिर खड़ा रहो, चलो। ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है। उसे पूछा कि तुम थक तो नहीं? कहा नहीं, आजाद है वो, बैठना चाहे बैठ सकता, खड़ा रहना। ये ब्लॉक फ्रीडम वाला है, फ्रीडम वाले चार अलहदा हो जाए, इंडिपेंडेंस वाले। जी इंडिपेंडेंस क्या होती है? इंडिपेंडेंस किसी स्टेट या कंट्री के लेवल पे होती है। जी आप क्या फरमाते हैं? शख्सी लेवल, तो फिर फ्री आप क्या बताना चाहेंगी? लेट कमर, कंट्री के लेवल पे अगर आजादी हो तो उसे इंडिपेंडेंस कहते हैं, इंसान के लेवल पे उसे फ्रीडम कहते हैं, इनका ये ख्याल है। तो जो फ्रीडम फाइटर होता है वो कंट्री के लेवल पे नहीं होता। वो कौन था फ्रीडम फाइटर हमारे, याद है? फ्रीडम फाइटर थे हमारे इस मुल्क को बनाने वाले, कोई एक फ्रीडम फाइटर का नाम बताएं। जी फ्रीडम फाइटर्स के नाम, कायदे तुम फ्रीडम फाइटर था, और लियाकत अली खान। तो फिर फ्रीडम में और इंडिपेंडेंस में, वो इंडिपेंडेंस फाइटर क्यों नहीं थे? इंडिपेंडेंस और फ्रीडम कनेक्टेड होती हैं। मैं अगर कहूं फ्रीडम एक फिनोमेना का नाम है और इंडिपेंडेंस एक ऑब्जेक्ट का नाम है, मीन एक ऑब्जेक्टिव थिंग है, तो इसमें कितना फर्क है? फ्रीडम ये है कि मैं आजादी चाहता हूं, इंडिपेंडेंस ये है कि मुझे ये चीज से ये तक मेरी है, ऐसे ही है कि नहीं? ये क्या है? ये फ्रीडम है। किस तरह खड़ा होना चाहोगे? इस तरह तुम्हारा दिल तो नहीं कर रहा? दिल किस तरह कर रहा है? ऐसे करके है? दिल किस तरह करता है? ऐसे ही दिल का, तेरा दिल कैसे करता है? ए भी झूठे और पीछे हाथ बांध के खड़ोगे, ए ये देख आजादी, हाँ ये आजादी, ये ठीक है, तो ये फ्रीडम है, ठीक है, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा। अब इंडिपेंडेंस कहां पे गई हमारी? अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान के सबसे काबिल बच्चों,
जो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए और डॉक्टर बनने में कुछ माह रह गए हैं, कुछ माह ही रह गए हैं, 9 महीने रह गए हैं, साल एक रह गए, और हमें ये नहीं पता चल रहा कि फ्रीडम में और इंडिपेंडेंस में क्या फर्क है, हैं? तो कैसे अंदाजा करेंगे कि एक न्यूरोसर्जन जो कि 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा है, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी, उसका फैसला कैसे करोगे? ये तो बड़ा आसान था, किसको वो सिनेरियो याद है वो न्यूरोसर्जन वाला? एक और दो तीन, ये क्या होता है? स्लेव। स्लेव क्या होता है? हैं? जो फाइनेंशियली और किसी और के डर से बाउंड है, क्या होता है स्लेव? इधर कौन नहीं है स्लेव जी? गुलाम तो तर्जमा है ना उसका, वो करता क्या है? नीड्स के लिए क्या आया? जरूरियात पे किसने कहा कि नीड्स के लिए वो डिपेंडेंट है? ठीक है, वो मैडम ने क्या कहा कि वो किसी के अंडर है, बाउंड है, उसने कहा किसी का सब ऑर्डिनेट है। ठीक, आप वो उसकी स्पीच की फ्रीडम नहीं है उसे, ऐसे ही है। और मेरे नॉमिनीज, हाँ, उसकी एक्शंस की फ्रीडम नहीं है, स्लेव है वो जी। आपने कभी महसूस किया कि हम में से कितने लोग स्लेव हैं? कभी महसूस किया कि हम स्लेव हैं? किस चीज पे महसूस किया? स्पीच पे, आजकल जो स्पीच पे बोल नहीं सकते इसलिए गुलाम हो, हैं? स्पीच पे, हाँ, बोल सकते हैं जो बोलना चाहे जी, हैं? अच्छा, इसका मतलब हम में से स्लेव, कुछ ने कहा जरूरियात के तहत है, कुछ ने कहा सब ऑर्डिनेट में है, कुछ कह स्पीच, ये दो ने कहा कि स्पीच की वजह से हम गुलाम है, हम बोल नहीं सकते आजकल, पहले भी नहीं बोल सकते थे, हम बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे। ठीक है, और सोच में गुलामी है जी, बेसिक राइट्स नहीं है। एनी हो, जब सोच में गुलामी होगी तो क्या करेंगे? ये मिलेंगी हमें चीजें, जब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो क्या? ये होगी, ये क्या मैंने लिखा है? क्रिएटिविटी। जब सोच में आजादी नहीं होगी तो अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी तो क्या? क्रिएटिविटी नहीं होगी। एक बंदा एक गार में बैठ के क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, उसको एक बल्ब ईजाद करना है तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, फुटबॉलर बनना है तो उसे कोई खेल का मैदान चाहिए। तो हमारे अंदर क्या है कि हम अपनी सोच में गुलाम है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, ना वो अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आती हैं, ना हम फिर क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं और ना हम सर्वाइवल की तरफ जाते हैं।